यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। यही नहीं, युद्ध लगातार भीषण भी होता जा रहा है, जिससे विश्व युद्ध होने का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे माहौल में भारतीयों को अपने वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है। आज भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ कई भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से इस ऑपरेशन में सरकार के साथ साथ यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां बसे भारतीय किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच वहां रहने वाले एक भारतीय हरजोत सिंह ने भी मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी जान बचाई। दिल्ली के छतरपुर के रहने वाले हरजोत सिंह, जो कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान गोलियां लगने से घायल हो गए थे, उन्हें अब भारत सरकार वतन वापस लेकर आ रही है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरजोत सिंह वो भारतीय हैं जिन्हें कीव में युद्ध के दौरान गोली लग गई थी। अफरा तफरी में उनका पासपोर्ट भी गुम हो गया था। आपको जानकारी दे रहा हूं कि हरजोत सोमवार भारत हमारे साथ पहुंच रहे हैं। बता दें कि 27 फरवरी के दिन कीव में हरजोत को 4 गोलियां लगी थीं, जिसके बाद उन्हें कीव सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चला। हरजोत सिंह ने भी अपना एक वीडियो जारी करते हुए भारत सरकार से अपील की थी कि उन्हें जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। वो अपने परिवार के पास आना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, जिसके बाद आखिरकार उन्हें सोमवार को वतन वापस लाया जा रहा है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही भारत सरकार ने तेजी से काम किया। दूतावास की मदद से हरजोत के इलाज की व्यवस्था की गई और अब हरजोत सोमवार को भारत वापस आ रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन रूस की लड़ाई की वजह से वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा अभियान चला रखा है, जो अब अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है। आईएनएस रिपोर्ट।